दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। गर्मी और लू से झुलस रहा उत्तर भारत। चार पाँच दिन तक इस गर्मी और लू से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। भीषण गर्मी में भट्टी बन गए यूपी के कई शहर। रविवार सबसे गर्म रहा है जून का दिन। गर्मी से परेशान मचा त्राहिमाम। कि धूप में लू में तभी निकले जब बहुत जरूरी काम हो। सूर्यदेव का सितम, गर्मी बहुत बेरहम। डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पतालों की ओपीडी में भी उल्टी, दस्त, बुखार और डायरिया के मरीज बढ़ गए हैं। हीट वेव का रेड अलर्ट, हमेशा रहे सतर्क। स्थिति ऐसी है कि लोग सड़कों पर निकलने से परहेज कर रहे हैं या मजबूरी वश निकल रहे हैं। जून की जलाने वाली गर्मी से सावधान। गर्मी ने इतना सितम ढाया हुआ है, उससे लोग खासा परेशान हो रहे हैं, लिहाजा बचाव ही एकमात्र उपाय बताया गया है, घरों से निकलें। जला रहा जू। उत्तर भारत में इस वक्त हीट वेव का अलर्ट चल रहा है। आसमान से बरस रही है आग और हवा के गर्म झोंकों से दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत झुलस रहा है। यूपी की बात करें तो कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। सुबह सूर्य के उगने के साथ ही तपिश तेज हो जाती है। सुबह 8 बजे के बाद से ही धूप जलाने लगती है। 9 बजने के बाद से लू के थपेड़े लोगों को परेशान करने लगते हैं और दोपहर होते होते घरों से निकलना दूभर हो जाता है। दिन ही नहीं, रात में भी भीषण गर्मी लोगों को बेचैन करती है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले 48 घंटों में गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन अभी 2 दिन तक जलाने वाली गर्मी जारी रहेगी। चलिए सीधा रुख करते हैं मेरठ से। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, लखनऊ से ऋषिमणि त्रिपाठी, कानपुर से अमित गंजू और नोएडा से हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेरठ का रुख कर लेते हैं, उमेश के पास चलते हैं। उमेश, उत्तर पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश है, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो वेस्ट यूपी, वहां पर हम देख रहे हैं कि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग अपने घरों से निकलना भी अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सिटी ऐसी है आपको काम के लिए घर से बाहर निकलना भी होगा, ऐसे में झुलसा देने वाली इस गर्मी से किस तरह से लोग अपने आप को बचा रहे हैं और मौसम विभाग क्या कहता है, कब तक राहत मिलेगी? उमेश जी, देखिए प्रचंड गर्मी पड़ रही है, आसमान से आग बरस रही है, सूरज धधक रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मेरठ, बागपत, सहारनपुर, शामली, मुरादाबाद, रामपुर समेत समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आसमान से आग बरसाने वाली गर्मी से जूझ रहा है। लोग तरह तरह से इस भीषण गर्मी का मुकाबला कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, लू के थपेड़े भी लोगों को सहने पड़ेंगे। तरह तरह से लोग इस गर्मी को मात देने की जुगत में जुटे हुए हैं, तमाम लोग समाज सेवा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से लोग यहां पर शरबत बांटकर, पानी पिलाकर समाज सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये महिलाएं इस कड़ी धूप में यहां पर खड़ी हैं और लोगों को शरबत पिला रही हैं, और ऑटो ड्राइवर्स, टू व्हीलर ड्राइवर्स सभी को शरबत पिला करके गर्मी से बचाव के लिए उन्हें समझाया भी जा रहा है। डॉक्टर्स भी यहां पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ये महिलाएं शरबत पिलाकर लोगों को यहां पर गर्मी से राहत दे रही हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी, कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है और मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को शरबत पिला रही हैं और इस गर्मी से राहत दे रही? हां जी, हम गर्मी की राहत देने के लिए ही हमने ये लगाई है जगह। हाँ, जिसलिए कि ठंडा पानी, लोग बाग इतनी गर्मी में यहाँ से निकल रहे हैं कि थोड़ा वो पानी पिए, उन्हें भी राहत मिले और हमें भी अच्छा लगे
और इस गर्मी में हम दूसरों की सेवा कर सके। डॉक्टर्स भी मौजूद हैं मैडम, आप डॉक्टर हैं लेकिन इस भीषण गर्मी में, इस प्रचंड तापमान में आप चौराहे पर मौजूद हैं, लोगों को शरबत पिला रही हैं। क्या कहना चाहेंगी लोगों से कि कैसे गर्मी से बचाव करें, घर से बाहर बहुत जरूरी काम हो तभी निकलें, और पानी जमकर पिए? पानी जमकर पिए, सिर ढककर रखिए, अपना खाने पीने का ध्यान रखिए, मुंह पर कपड़ा बांध कर रखें। देखेंगे किस तरह से लोग कह रहे हैं कि मुंह पर कपड़ा बांध करके निकलें, शरबत पिए, पानी पिए, जमकर जूस पिए, बेल का जूस पिए, गन्ने का जूस पिए। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी, कैसे समाज सेवा हो रही है, कैसे लोगों को आप गर्मी से राहत दिला रही? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये लोगों ने भी अलग अलग तरीके निकाले, क्योंकि गर्मी है बहुत, थोड़ा सा राहत दी जाए और समाज सेवा करते लोग नजर आ रहे हैं। अमित गंजू के पास चलते हैं, कानपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित, कानपुर में भी हम देख रहे हैं कि ठंड, माफ कीजिएगा, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गर्मी को मात दी जाए, कैसे गर्मी को बीट किया जाए। वहां पर क्या हालात है, कितना है आज का टेम्परेचर, जरा जानकारी दीजिएगा अमित। देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आसमान से आग धधक रही है और कानपुर ने 50 वर्षों के रिकॉर्ड को बीट कर दिया है। अगर कानपुर में 12 तारीख से बात की जाए अब तक लेकर 46, 47, 2 और 48, यानी लगातार 46 और 48 के बीच बचा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा सामने का दृश्य दिखाइए, कानपुर का टाट मिल चौराहा है, यहाँ आमतौर पर 130 सेकंड्स का एक मीटर लगाया गया था लेकिन उसको डिडक्ट करके 60 सेकंड्स का कर दिया, क्योंकि लोग रुक नहीं पा रहे हैं, गर्मी से यह बुरी हालत है। सामने की बात की जाए लोग गमछा लगाए खड़े हैं, कुछ पानी की दुकान पे खड़े हैं, कुछ जूसेस के खड़े हैं, कुछ गन्ने वालों खड़े हैं। गर्मी से देखे राहत के लिए कैसे, सर आप बताएं। सर इट इज अनबियरेबल, इट ऑलरेडी नहीं हो रहा इतना गर्मी। बिल्कुल, तो कानपुर की भी कुछ यही तस्वीर है और लोग परेशान यहाँ पर भी हैं गर्मी से, लेकिन कोशिश की जा रही है कि गर्मी को मात दी जा सके। और चलिए अब आपको हिमांशु शुक्ला के पास लिए चलते हैं, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, इस वक्त पारा आसमान छू रहा है और लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, वहां पर क्या हालात है, नोएडा का कितना है आज का टेम्परेचर हिमांशु? बिल्कुल, देखिए शीनम आपको बता दें, चिलचिलाती धूप है, हीट वेव देखने को मिल रही है, आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया 18 जून तक, तो जाहिर तौर पर राहत नहीं मिलने वाली है। और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूं पीछे की तस्वीरें दिखाएंगे, जो भी व्यक्ति सड़क पर निकल रहा है उसके सिर पर रुपट्टा है, महिलाएँ हैं, पुरुष है तो गमछा है, तो जाहिर तौर पर राहत लेने की कोशिश है, जूस की, पानी की, इन तमाम तरीकों की दुकानें लगी हुई हैं और लोग मॉल की तरफ भाग रहे हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे यहाँ पर जो लोग हैं वो मॉल में प्रवेश कर रहे हैं। स्थिति बड़ी ख़राब है, क्योंकि जो तापमान है वो 45 के पार है और ना सिर्फ दिन में बल्कि रातें भी बेहद गर्म है, और जो तापमान है वो 35 से 36 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। और यहां पर कुछ ऑटो चालक है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर स्थिति क्या है, क्योंकि ये दिन भर बाहर रहते हैं, सड़क पर रहते हैं, सवारियों को लेकर उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? सिंह है सर। क्या आप लोग ऑटो चालक हैं, किस तरीके की समस्याएं होती, क्योंकि आप लोग बाहर इतनी तपती चिलचिलाती धूप में हैं, सवारियां भी आती होंगी उनको लेके छोड़ते हैं, किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत गर्मी, बहुत तप है, गर्मी बहुत है, पब्लिक बाहर नहीं निकल रहा है, सवारी कहाँ से होगा, गरीब आदमी मजदूर आदमी रोड पर बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, क्या करेंगे? तो किस तरीके से बचाव करते हैं आप लोग? ठंडा पानी पी पी कर बचाव करते हैं, ठंडे में कहीं पेड़ के पास बैठ जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो जाहिर तौर पे देखिए और लोगों से बात करते हैं, भाई साहब आप भी रिक्शा चलाते हैं, सड़क पे रहते हैं, गर्मी से बचने के लिए गमछा लपेटा हुआ है, तो क्या क्या कैसा रहता है अभी, स्थिति कैसी है? स्थिति बहुत खराब है, ले देकर के मेरी स्थिति खराब है, गर्मी बहुत है, लू चलता है, हवा जो चल रही है तो मुँह में लग रही है, वहाँ के तो देख ही रहे हैं मौसम कैसा है, आप भी इसी में हैं। तो जाहिर तौर पे देखिए ये ऑटो चालक है, ये रिक्शा चालक है, इन लोगों को भी खासा दिक्कत और तकलीफ होती है, उसकी वजह यही है क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है, और तापमान जो है वो दिल्ली एनसीआर में खासतौर पे बात करें तो 50 डिग्री के आसपास तक दर्ज किया गया, तो जाहिर तौर पे 120-125 साल का रिकॉर्ड टूटा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर भी हिमांशु बहुत ज्यादा कम देखा जा रहा है, मैक्सिमम तो बहुत बढ़ी गया है। राजधानी लखनऊ अपने दर्शकों को अब लिए चलते हैं, ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभमणि, लखनऊ का टेम्परेचर कितना है, मिनिमम और मैक्सिमम जरा बताइएगा, क्योंकि दिन तो गर्म है ही है, रातें भी गर्म दिखाई दे रही है इस बार। जी शीनम, देखिए इस वक्त राजधानी लखनऊ में टेम्परेचर 42 डिग्री है और सुबह के समय भी, जो 7-8 बजे के समय भी, ये पारा 35 के आसपास हो जाता है और आज भी उम्मीद जताई जा रही है ये पारा 45 को पार कर जाएगा। कल रविवार
45.6 डिग्री सेल्सियस था, जिसने बीते 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और उम्मीद जताई जा रही है अभी 2 से 3 दिन तक ऐसा ही टेम्परेचर यहाँ पर बने रहेगा। सुबह और शाम को लू तो नहीं होती है, गर्म हवा के थपेड़े तो नहीं होते हैं, लेकिन तपिश होती है, तीखी धूप होती है, वो लोगों को महसूस होती है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है, जहां पर कुछ गाड़ियां किसी को पार करनी है तो वो भी छांव की तलाश कर रहा है कि कहां मौका मिले, जहां पर एक आध पेड़ दिखाई दे उसकी छाया में हम अपनी कार को खड़ी कर दें। जो ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, वो भी यहां पर छांव को तलाश रहे हैं। रेड अलर्ट जारी किया गया है हीट वेव को लेकर, और ये कहा गया है कि जब बहुत जरूरत हो तभी निकले, इसीलिए सड़कों पर भी वो सन्नाटा दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में बिल्कुल सड़कों पर सन्नाटा इसलिए भी है एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि गाड़ियों में आग लगने की भी कई घटनाएं सामने आई। टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसके चलते इंजन गर्म हो जाता है, उसके बाद स्थिति ऐसी बन जाती है कि कार के साथ भी कई बार हादसे हो रहे हैं। कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें जानकारी भी दे रहे थे और लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। अमित, अपनी बात पूरी कीजिएगा, लोगों से बातचीत करने के साथ साथ ये भी बताइएगा कि क्या वहां पर लू भी चल रही है कानपुर में, क्योंकि देखा ये जा रहा है कि गर्म सिर्फ वातावरण नहीं है बल्कि गर्म हवा भी चल रही है, जो और भी ज्यादा खतरनाक है। लगता है अमित गंजू तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से उमेश श्रीवास्तव का रुख करते हैं, हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश, लू को लेकर जरा स्थिति बताइएगा, क्योंकि हीट वेव को लेकर जो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है वो ये कहता है कि सिर्फ टेम्परेचर ज्यादा नहीं है बल्कि लू की वजह से, यानी कि गर्म हवा की वजह से भी लोग बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए ऐसे वक्त में घर से बाहर ना ही निकले। निश्चित तौर पर गर्म हवाएं चल रही हैं, लू के थपेड़े भी चल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटे तक लू के थपेड़े लोगों को सहने पड़ेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेरठ, बागपत, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा समेत समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है। लू के थपेड़े भी लोगों को सहने पड़ रहे हैं और लोग तरह तरह से जुगत लगाकर इस गर्मी को मात देने में जुटे हुए हैं, लेकिन गर्मी को मात दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है। और डॉक्टर्स की भी यही सलाह है कि अगर आप घरों से बाहर निकले तो बेहद एहतियात के साथ निकलें, मुंह पर कपड़ा बांध कर निकलें, फेस को कवर करके निकलें, अपनी स्किन को भी खास ख्याल रखें क्योंकि त्वचा भी जल सकती है, सन बर्न हो सकता है। त्वचा रोग विशेषज्ञ भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि सन बर्न से भी बचें और सन क्रीम भी लगाने की वो हिदायत देते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि जमकर पानी पिएं, जूस पिएं, गन्ने का जूस पिएं, बेल का जूस पिएं, शरबत पिएं, नींबू शिकंजी पिए तो निश्चित तौर पर इस गर्मी से आपको राहत मिल सकती है। यकीनन जैसा कि हमारे सहयोगी ऋषभमणि त्रिपाठी अभी लखनऊ से कह रहे थे कि किस तरह से जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती, छांव नहीं मिलती है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में जिस तरह से सूरज आग बरसा रहा है, तप रहा है समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, समूचा उत्तर प्रदेश। अभी बीते दिनों नौतपा हुआ था और नौतपा में कहर गर्मी का देखने को मिला था। दिल्ली का टेम्परेचर 52.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तापमान भी 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका था। तो निश्चित तौर पर लोगों को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है, लोगों को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में अपनी बॉडी को आप डिहाइड्रेशन से बचाएं, हाइड्रेट रखें। हिमांशु शुक्ला नोएडा से जुड़े हुए हैं लगातार। हिमांशु, अभी आप बातचीत कर रहे थे लोगों के साथ और देख रहे थे किस तरह से लोग गर्मी से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो ऑटो चलाने वाले लोग हो, लेकिन डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कैसे बचना है इस भीषण गर्मी से, कैसे खुद को हाइड्रेट रखना है, और घर से बाहर निकलने से तो परहेज करने को ही कहा गया है। देखिए, जाहिर तौर पे सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों से लगातार अपील यही की जा रही कि बेवजह घरों से बिल्कुल ना निकले, काम हो काम के लिए निकलें और काम निपटाकर घरों पे वापस पहुंच जाए। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से चिलचिलाती धूप है, हीट वेव खासतौर पे देखने को मिल रही है, हीट वेव सबसे नुकसानदेह भी है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से जिला अस्पतालों में, आसपास के अस्पतालों में OPDs बढ़ी हैं और खासतौर पे लोगों को दस्त की शिकायत है, बुखार की, तेज़ बुखार की, और फेंट हो रहे हैं, क्योंकि फेंट होने की वजह मूर्छित होकर गिर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि सर्दी और गर्म हो रही है, एकदम आदमी धूप में रहता है और फिर एक ठंडी स्पेस में चला जाता है, ठंडा पानी का सेवन करता है, इस तरीके की तमाम
दिक्कतें सामने आ रही हैं, लिहाजा ओपीडी भी बढ़ी हुई है, ओपीडी के साथ मरीज भी बढ़ रहे हैं। और लोगों से जो मौसम वैज्ञानिक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो भी लगातार यही अपील कर रहे हैं कि अगर घरों से निकल रहे हैं तो एहतियात बरतें, घर पर अगर गमछा हो तो उसको लेकर निकले, महिलाएं दुपट्टा लेकर निकले, बच्चों को कैप लगाए, इस तरीके की तमाम सहूलियत, घरों से पानी लेकर निकले, रास्ते में पानी पीते रहें। बिल्कुल, ये तो वो चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो डूज बताए गए हैं डॉक्टर्स की तरफ से, डोंट्स क्या क्या है वो जानते हैं ऋषभमणि त्रिपाठी से, राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभमणि, डॉक्टर्स क्या क्या कह रहे हैं, किन चीजों से बचना है इस वक्त, जो चीजें करनी है, खुद को हाइड्रेट रखना है, बहुत सारी ऐसी चीजें करनी है, लेकिन कैसे गर्मी से खुद को बचाना है वो भी बताइएगा, डॉक्टर्स क्या कहते हैं और मौसम विभाग ने क्या एडवाइजरी जारी की है। कई बार ऐसा होता है गर्मियाँ छुट्टियाँ चल रही, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, परिवार भी और तालाब बाहर भी मान रहे हैं। तो लगता है ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, उमेश के पास चलते हैं, उमेश से यही सवाल मेरा रखेगा। उमेश, क्या कहा है डॉक्टर्स ने, किन किन चीजों से बचना है इस भीषण गर्मी में? जी देखिए, भीषण गर्मी से बचने के लिए सबसे अहम काम तो यही करना है कि जब भी घर से निकलें तो अपने फेसेस को कवर करके निकलें, और बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें, नहीं तो शेड में रहें, अपने घरों में रहें। जमकर पानी पीने की बात कही जाती है, जूसेस पीने की बात कही जाती है, गन्ने का जूस जमकर पिए और बेल का जूस पिए, तमाम शिकंजी इत्यादि पिए, और अपनी स्किन का भी खास ख्याल रखें, अंगोछा बांध करके निकलें, फेस को कवर करके निकलें, सर को कवर करके निकलें, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि हीट स्ट्रोक का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोशी की बात आ सकती है और मूर्छा आ सकती है। तो यकीनन जब भी आप घर से निकलें तो अपने साथ पानी की बोतल लेकर के निकलें, ताकि आपको रास्ते में हाइड्रेट करने में खुद को आसानी होगी, डिहाइड्रेशन से आप बच सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम इस गर्मी में यही है कि जमकर पानी पिए, और यही प्रयास लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और समाज सेवा भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से ये महिलाएं प्रचंड गर्मी में यहां पर लोगों को शरबत पिलाते हुए नजर आ रही हैं, और शरबत पिला करके लोग अपने आप को हाइड्रेट रख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मैडम भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। देखिए, इसमें ट्रे में बाकायदा शरबत रख करके ले जाया जाता है, और जो भी ऑटो ड्राइवर्स होते हैं, टू व्हीलर ड्राइवर्स होते हैं, उनको ये शरबत पिलाया जा रहा है। तो यकीनन यही समाज सेवा सभी को भी करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। आप भाई साहब क्या कहेंगे, लोगों को शरबत पिला रहे हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, आप इस तस्वीर को देखिए कि किस तरह से गमछा बांध करके निकले हुए हैं और अपने फेस को कवर किए हुए हैं, महिला भी पुरुष भी अपने फेसेस को कवर करके यहां से निकल रहे हैं। ऐसे ही लोगों को निकलना चाहिए, देखिए चश्मा लगाए हुए हैं और फेसेस को कवर किए हुए हैं, दुपट्टे से अपने फेस को कवर किए हुए हैं महिला, और अंगोछे से अपने फेस को कवर किए हुए हैं पुरुष, और लोग यहां पर शरबत बांटते हुए ऐसे ही नजर आ रहे हैं। आप भाई साहब क्या कहेंगे, इधर आइए और ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है और आप लोग कैसे समाज सेवा कर रहे हैं, शरबत पिलाकर लोगों को गर्मी से मात देने की बात बता भी रहे हैं कि क्या क्या ख्याल रखना चाहिए। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों को बहुत ही मजबूरी में यहाँ से निकल रहे हैं अपने गर्मी में, नहीं तो घर से कोई निकलना नहीं चाहता, बहुत जरूरी काम होता है तभी वो निकलते हैं, लेकिन इस गर्मी से बचने के लिए उनको अपना मुंह ढक के निकलना चाहिए, पानी का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर्स भी यही हिदायत दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, उमेश आपका भी बहुत शुक्रिया, ऋषभमणि त्रिपाठी आपका भी शुक्रिया, और हिमांशु शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े रखे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पर जारी है।